the rules and guidelines of the community. And on somebody who's called to market peace from the body parts of the lady. जब रात का विष्णु विश्राम का एहवाल मुद्रा है तो सभी से पहले उन्हें हार होना चाहिए, कम से कम सुबह सभी से एक घंटा पहले तहजुद का एहतमाम करें और अल्लाह की तौफीक से चार रकात, छह रकात, आठ रकात जितनी भी तौफीक हो तहजुद पढ़ें। और तहज्जुद पढ़ने के बाद खूब इंफरादी तौर पर क्रियाकारी के साथ दुआओं का इंतजाम करें। आम रात में और सुबह तहज्जुद के वक्त की दुआएं बहुत कबूल की कबूलियत से भरी है। अगर रमजान का महीना हो और उसकी रातें हो और रात का विशेष हिस्सा इबादत की मुद्रा हो, इसके बाद अगर तहज्जुद हो और तहज्जुद के बाद फिर दुआ हो, इंशाअल्लाह उसकी कबूलियत में कोई शुबा नहीं रहेगा, जरूर दुआ कबूल होगी। इंफरादी दुआ जो कुरान सुन्नत से मकबूल है वो भी पढ़े, अपनी जुबान में दुआ करे, अपने लिए, अपने आत्मायात के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ का एहतमाम करें। और उम्मत के लिए जहाँ दूसरी जरूरत मांगते हैं वहाँ खास तौर पर हिदायत को भी मांगना चाहिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए और पूरी उम्मत के लिए उम्मत दावत हो या उम्मत इजाजत हो, हिदायत की दुआ का एहतमाम चाहिए। फिर इसके बाद जब सुबह सादिक में आठ घंटा पौन घंटा बाकी हो सहरी करें। सहरी में अच्छा ये है कि अगर सहरी का इंतजाम अपने हाथ में है तो बहुत ज्यादा जल्दी सहरी में करें। अगर इंतजाम है पसंद आवरीब के साथ ये खान पान इंतजाम है वहाँ एक बहुत मुकदम है, कोई राज की बात नहीं है, लेकिन अगर अपने हाथ में है चल रहा है हम सहरी कर सकते हैं तो फिर आठ घंटा, तीस मिनट, पैंतीस मिनट, चालीस मिनट बहुत हो गए सहरी के लिए। सुबह सारी से आठ घंटा पहले, तीस चालीस मिनट पहले सहरी करें। सहरी करने के बाद अपनी जरूरत से फारिग हो जाए, पेशाब, पाखाना, इस्तिंजा वगैरह फारिग हो जाए और फारिग होने के बाद वुजू करके फौरन मस्जिद का रुख करें। और अगर बस्ती वाले हैं तो अपने घर में ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, फिक्र के लिए, तस्बीहात के लिए, कुरान करीम की तिलावत के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर अपने महल्ले में रहते हैं, महल्ले के अंदर अपने घर में सुन्नत फजर पढ़ने के बाद जमात से फजर की नमाज मिल सकती है तो इसका एहतमाम करें। और अगर बस्ती से दूर है या हमें बस्ती पहुंचाना है कोई बात नहीं, सैर करने के बाद बस्ती पहुंच जाए, बस्ती पहुंचने के बाद इंफरादी इबादत में मशगूल हो। हमारे मौलवी भी नजर आते हैं, वो भी जब सहरी से पारे हो गए, अपनी जरूरत से पारे हो गए तो और अपने मौजूद अपने एहतियात की जगह में आ गए और वहाँ आने के बाद तिलावत में, जिक्र अज़कार में और इसी तरीके से तस्बीहात में मशगूल रहे। जैसे ही फजर की अज़ान होनी होगी, फजर की अज़ान के बाद अज़ान का जवाब दे। अज़ान के जवाब के सिलसिले में उम्मत बहुत गुदाई करती है, तरतीब तरहीब की रवायत है, कोई आदमी इत्मीनान से ध्यान से अजान के अल्फाज को सुने और अजान के अल्फाज को सुनने के साथ उसका जवाब दे और जवाब देने के बाद दूसरी पढ़े और दूसरी पढ़ने के बाद दुआ करे तो एक अजान के जवाब पर 20,000 नेकियां उसके नाम में आमाल में लिखी जाएगी। और मुख्तसर अमल तीन चार मिनट का अमल है, अगर इरादा करें कि हर अजान के जवाब का हम एहतमाम करेंगे, फजर की अजान है, फजर की अजान को सुनते जाए, उसके अल्फाज को दोहरा दे जाए और जब अजान पूरी हो जाए तो मुश्किल पड़े और इसके बाद जो दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लाना तमाम इस दुआ को पढ़े। मुख्तसर सा अमल और 20,000 नेकी नामे आमाल में लिखी जाए, यानी वक्त कम, अमल छोटा और नफा और नेकी बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद फजर की सुन्नत पढ़े, फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद फिर फजर की नमाज बार-बार नमाज की, इसके बाद में अगर मौका है तो तस्बीहात का एहतमाम करें, सुभानअल्लाह या बिहमदिही सुभानअल्लाह या अज़ीम 100 मरतबा इसको पढ़ें या और कोई तस्बीहात पढ़ें। फिर इसके बाद फजर की नमाज पाँच बार पढ़ें, हर नमाज की ताकीद ये करें कि हर नमाज हमारे दिल के लिए होगा और सबसे होगा के साथ होनी चाहिए। नमाज पढ़ ली अब इसके बाद दो दफा दें, या तो रात का कुछ हिस्सा हमने आराम किया है या रात का हिस्सा आराम नहीं किया है।
अगर रात को पाकिस्तान में आराम किया जाए तो वरना बहुत अच्छा है कि अल्लाह की इबादत में तिलावत वगैरह में मशगूल हो जाए और इशराक तक तिलावत में मशगूल रहे और इशराक की नमाज चार रकात पढ़ने के बाद दो घंटे चार रकात पढ़ने के बाद फिर अपनी जरूरत के मुताबिक आराम करें। और अगर रात का पूरा हिस्सा या बेशतर हिस्सा हमने इबादत में गुजारा है और हमें नींद का तकाजा है कोई बात नहीं, फजर की नमाज पढ़ी सर तस्बीहात दुआ से फारिग हो सो जाए। सो जाने के बाद इसका एहतमाम करें, अगर सेहत अच्छी है तो इसका एहतमाम करें कि अगर इशराक नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, चाश का एहतमाम करें। जवाब से पहले चाश को पढ़े, सारे ग्यारह पौने बारह बारह सवा बारह जवाब से पहले तो पढ़ सकते हैं, तो चाश की नमाज चार रकात आठ रकात चाश की नमाज का एहतमाम करें और चाश की नमाज के बाद फिर तिलावत में मशगूल हो जाए जोहर की अदान करें। जोहर की अदान हुई, तैयारी में मशगूल हो गए, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद भी तिलावत का बहुत अच्छा मौका है, अगर आदमी चाहे तो तिलावत में मशगूल हो जाए आध घंटा पौन घंटा एक घंटा जितनी भी उसके अंदर ताकत है तिलावत में। तिलावत के बाद अगर आराम का तकाजा है कोई बात नहीं, सो जाए, कोई हर्ज की बात नहीं, सो जाए। और अगर आराम का तकाजा नहीं है तो कोई दीनी किताब मुताले करके, कोई दीनी किताब हो उसका मुताले करके, पता है कि आमाल है तबलीगी रिसालत है, पता है कि सदकात है उसका मुताले करके। और अगर इसी तरीके से मसनून दुआ है तो उसको भी पढ़े, कोई हर्ज की बात नहीं, जैसे इसको आदम है और इसी तरह हमारा जब मकबूल है ऐसी कोई भी मंजिल पढ़े। फिर इसके बाद सोने का तकाजा है, सो जाए, असर की नमाज के लिए फिर तैयार हो जाए आठ घंटे पहले, असर की नमाज के लिए आठ घंटे पहले तैयार हुए, अपनी सारी जरूरत को पूरा किया, सारी जरूरत को पूरा करने के बाद जमा खाने में आ गए, आने के बाद असर की नमाज का वक्त हो गया है, अजान हुई, सुन्नत पढ़े, सुन्नत पढ़ने के बाद तस्बीहात मशगूल रहे या कोई भी इकरार तिलावत मशगूल रहे। इबादत कोई भी करे कोई हर्ज नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी इबादत है तिलावत, तिलावत करे और अगर तिलावत बहुत करनी है तो फिर उठा के तस्बीहात भी मशगूल रहे। असर की नमाज के बाद का वक्त तिलावत के लिए बहुत अच्छा है, लिहाजा कोशिश करे कि असर से लेकर मगरिब की नमाज का पूरा वक्त अगर हमें कोई काम नहीं है तो हमारा वक्त तिलावत में गुजरे। मौका की हजरात से भी गुजारिश है, हमारे दावत और तबलीग के हजरात से भी कि अपना जो निजाम है मगर असर की नमाज के बाद बात होती है, बात होने के बाद फिर इसके बाद आप अपनी तिलावत में मशगूल हो जाए। दावत और तबलीग के साथ क्यों का एक निजाम होता है और वक्तों के अलावा तिलावत का वक्त भी मिलता है, ये बहुत अच्छा होता है। जब हम अपनी असर की बात की बात से पारे हो गए इसके बाद जो वक्त मिलता है आठ घंटा पौन घंटा वो तिलावत में मशगूल है। यहाँ तक कि जब एक तारीख के अंदर 20-25 मिनट बाकी हो अगर पेशाब पाखाना उर्दू का तकाजा है तो पार हो जाए और अगर तकाजा नहीं है तो आपकी 10-15 मिनट खूब एहतमाम के साथ अपने लिए पूरी उम्र के लिए इम्तियाजी तौर पर करके रहते हैं दुआ को मशगूल है और इस दुआ में अपने लिए और पूरी उम्र के लिए दुआ का एहतमाम करें। और इनकी अजान भी इफ्तार कर दिया, इफ्तार करने के बाद की जो बातें कल बताई यानी अवामी पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने के बाद अवामी पढ़िए और अवामी पढ़ने के बाद अपने आप को इबादत में मशगूल रहे। ये ध्यान अगर हमारे मौजूदगी हजरात और हमारे दावत और तरकीब के बारे और हमारे महल के बारे अगर रमजान के नक्शे को रमजान के निजाम को इस तरीके से मुरतब कर दे कि फलाने फला काम करना है, फलाने फला काम करना है, तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ थोड़े से वक्त में बहुत सारा काम होगा। और जब सारे अवकात को हमने इबादत के लिए नेक कामों के लिए घेर लिया तो अब हमारे पास वक्त ही नहीं बचा है, वक्त बचेगा तो इसमें आदमी गुनाहों में मशगूल होगा, रवैया में मशगूल होगा, इधर उधर की बातों में मशगूल होगा। जब हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमने अपने सारे वक्त को इस तरह से लेट किया है और सारे वक्त को इबादत में मशगूल किया है तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं कि हमारे पास वक्त ही नहीं। ये तो हुआ पूरे दिन का काम। अब आदमी एहतिकाफ में क्या काम ज्यादा करेगा, क्या काम से बचेगा, बस मैंने पहले ही बताया था जरूरत के वक्त आराम करें, दूसरी अपनी जरूरतों को कम वक्त में पूरा करें और बाकी सारा का सारा वक्त इबादत में लगाए और इबादत में भी बहुत अच्छा है कि तैयार में लगाए, बहुत ज्यादा तैयार होता है। और उन्होंने लिखा है मौत के लिए एक तो इबादत, दूसरा दीन को सीखना सिखाना,
तीसरा दीन को सीखना सिखाना, तीसरा अपनी नवाफिल की इबादत, यानी नफल नमाजों का भी एहतमाम। पाँच वक्त की फर्ज नमाजों पढ़ते हैं, इशराक है, शाश्र है, अवाबीन है, तहज्जुद है, अगर इन नमाजों का भी एहतमाम किया जाए और अच्छी चीज है। मौत की हजरात के लिए खास तौर पर ये बात याद रखनी चाहिए कि मौतकी के लिए मस्जिद के अंदर खाना पीना सोना बैठना बाल को सवारना कपड़े बदलना सब की इसमें इजाजत है, लिहाजा मौतकी मस्जिद से बाहर नहीं जाएगा। इस सिलसिले में मैं एक मसला बहुत मोहब्बत के साथ अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ। हमारा एक जवान खाना है, इसी तरह हमारा बरामदा है वरंडा जिसको कहते हैं, वो भी जवान खाने में शामिल है। इस जवान खाने में और बरातन में बरामदा में कौन सो सकता है और कौन नहीं सो सकता है? अगर कहीं ऐसी मस्जिद है कि जिस मस्जिद का सिर्फ जवान खाना ही है, इसके बाद शायद वगैरह कोई चीज नहीं है, वहां पर तो इजाजत है भाई मुसाफिर हो, सफरा हो, दावत तबली के हमारे साथी हो, मौतकी हो, इन सबको मस्जिद में लेटने की इजाजत है। लेकिन अगर कहीं मस्जिद में ऐसा निदान है कि मस्जिद का जमान खाना है, मस्जिद का बरामदा है, इसके अलावा मस्जिद वालों ने मुस्तकिल सोने के लिए इंतजाम किया है, जैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ दो दो तीन तीन कमरे इस तरीके से सोने के लिए मौजूद है, तो जहाँ ऐसी मस्जिद हो जहाँ अलग से जमान खाने से बाहर सोने का धंधा है, वहाँ मौतकिल के अलावा किसी और को जमान खाने में सोने की इजाजत नहीं। दूसरा इंतजाम मामूल मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में हमारे इस्लाम में कई मस्जिदों में इस तरह निजाम है, तो जहाँ भी जहाँ आपका जाना हो करने मालूम करने कि भाई जमान खाने से बाहर अगर मुस्तकिल इंतजाम है, अगर मुस्तकिल इंतजाम है तो फिर हमें अपना सोना वही रखना है, जमान खाने में सोना नहीं है। जमान खाने में सोने की इजाजत उस वक्त सिर्फ मौतकी के लिए, चाहे उसका एहतिकाफ वाजिब हो, चाहे इसका एहतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा हो, चाहे इसका एहतिकाफ न करो, जैसे रमजान में गए 20 दिन का एहतिकाफ होता है, तो इन हजरात के लिए मस्जिद में सोना है। बाकी इसके अलावा दूसरे भाइयों को मस्जिद में सोने की इजाजत नहीं, मस्जिद में सोना मना है, उनके लिए जहाँ निजाम है वहाँ सोने का इंतजार है। अब हमारे मौतकी भाई इस बात का ख्याल रखें कि तीन जरूरत के अलावा किसी और जरूरत से मस्जिद से निकलेगा, जमान खाने से निकलेगा, तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। पहली जरूरत है जरूरत शरई। जरूरत शरई क्या है? मसलन जिस गांव की मस्जिद में वो एहतिकाफ कर रहा है, वो बड़ा मसला है, बड़ा काम है, जहाँ शरान जुमा की नमाज होती है, लेकिन जिस मस्जिद में उसने एहतिकाफ किया है वो मस्जिद छोटी है, वहां जुमा की नमाज नहीं होनी। तो इसके लिए शरान जायज है कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद जिसमें एहतिकाफ किया है वहां से जामे मस्जिद के लिए निकले, और उसमें भी उलमा ने लिखा है ज़वार के बाद निकले, या ज़वार के साथ निकले, ज़वार और जुमा के वक्त वक्त किए, अज़ान में अज़ान के साथ निकल जाए, ज़वार के साथ निकल जाए, जुमा की नमाज से पहले की सुन्नतें पढ़े, जुमा की नमाज पढ़े, जुमा के बाद की सुन्नत और नवाफिल पढ़े, और सुन्नत और नवाफिल पढ़ने के बाद और जिस मामले की मस्जिद में एहतिकाफ किया है वहां जाना है। तो देखो शरई जरूरत के लिए उसको निकलना चाहिए, सही जरूरत में यह है कि जिस मरहले की मस्जिद में वो एहतिकाफ कर रहा है वहां जुमा की नमाज नहीं हो रही है, तो मामले की दूसरी मस्जिद में जहां जुमा की नमाज हो रही है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए निकलना है, और वो भी सवार के बाद, बल्कि जुमा के अजान के साथ निकले, वहां जाकर सुन्नत वगैरह पढ़े, जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद उसके बाद की जो सुन्नत है वो पढ़े और फिर और निकल जाए, फिर ज्यादा न ठहरे, ज्यादा ठहरना मकरूह है। लिहाजा सुन्नत नवाफिल से फारिग हुआ और जिस मोहल्ले में एहतिकाफ किया है उस मोहल्ले की मस्जिद में पहुंच जाए, ये है शरई जरूरत। बादल हजरात फरमाते हैं शरई जरूरत में अजान देना भी है, निकलना चाहिए, बाद मौका फरमाते हैं निकलना चाहिए,
बात सही है, सामने आती है। हमारी मस्जिदों में मुअज्जिन मुस्तकिल मौजूद है, जहाँ मुस्तकिल मुअज्जिन मौजूद है वहाँ दूसरे को अज़ान के लिए निकलना उसके लिए शरीक रोज नहीं। ऐसे आपको पान मिलता है की आवाज़ से अज़ान के लिए, उसकी यही समझ में आती है। अज़ान के लिए निकलना भी जायज़ है, तो इस तरकीब की समझ में आती है। अगर मुअज्जिन मस्जिद में है, एहतिकाफ में है, तो मुअज्जिन के लिए तो जायज़ है कि वो अज़ान के लिए निकले, और अगर मुअज्जिन नहीं है तो फिर उसको अज़ान के लिए निकलना सही नहीं, इसलिए उसके आपने ये शरी जरूर नहीं है। मुअज्जिन मौजूद है तो बाहर एक तो जुमा की नमाज के लिए निकले, अगर मुअज्जिन साहब एहतिकाफ में बैठे हैं तो वो अज़ान जो वो अज़ान देने के लिए निकले। अच्छा, दूसरी है तबीयी जरूरत, आदमी की तबीयी जरूरत की वजह से वो मस्जिद से निकल सकता है। तबीयी जरूरत पेशाब का तकाज़ा है, पाक खाने का तकाज़ा है, उस लकर तो हो गया उस लकर के लिए निकलना है, ये तबीयी जरूरत है। खाना पीना ये तबीयी जरूरत है, लेकिन खाना पीना उसके लिए मस्जिद में खाना पीना जायज़ है। लिहाजा अगर कोई आदमी घर से खाने पीने वाला लाने वाला है तो उसको मस्जिद से बाहर खाने पीने के लिए निकलने की इजाजत है। तो तभी जरूरत में पेशाब पाखाना और उस के सिलसिले में उलमा ने एक बात लिखी है, पूरी बात लिखी है कि अगर मौतनिक को मस्जिद में उसने फर्ज की जरूरत पड़ जाए तो पहले वो तयम्मुम करे, और तयम्मुम करने के बाद फिर मस्जिद से निकले, ये मुस्तहब है। और तकिक के लिए जब उसको मस्जिद में उसने की जरूरत पड़ जाए, एहतमाम हो जाए, तो उसके लिए मुस्तहब है पहले वो तयम्मुम करे, और तयम्मुम करने के बाद मस्जिद से निकल जाए और उसने करे। तो देखो वुज़ू करने के लिए उसको निकलना चाहिए, कोई नमाज पढ़नी है चाहे फर्ज चाहे नफल चाहे तिलावत करनी है, वुज़ू करना है, वुज़ू के लिए निकल सकता है, पेशाब पाखाने के लिए निकल सकता है, उसने फर्ज के लिए वो निकल सकता है। इसके अलावा आम हालात में और उसने के लिए नहीं निकल सकता। जुमा की नमाज पर उसने इस सिलसिले में भी इख्तलाफ है, आम फुकहा लिखते हैं कि जुमा के उसने के लिए नहीं निकल सकता। आम फुकहा लिखते हैं पेशाब पाखाने के लिए निकला और जिम्मन गुस्ल कर लिया तो इसकी गुंजाइश है, इसमें जुमा के उसने मालिक फुकहा ने इसकी इजाजत नहीं है। एहतियात की बात यह है कि आम गुस्ल के लिए मस्जिद से नहीं उसने फर्ज है तो उसने तो नहीं है। तो ये तभी जरूर थी आदमी का पेशाब के लिए निकलना, पाखाना के लिए निकलना, उसने फर्ज के लिए निकलना, वुज़ू के लिए निकलना जब वुज़ू नहीं है और ऐसी बात करना चाहता है जो अगर वुज़ू में सही नहीं तो उसको वुज़ू के लिए निकलना चाहिए। तीसरी जरूरत है इस्तेआरी नादानी, इस जरूरत में भी उसको निकलना चाहिए। मसलन जिस मस्जिद में एहतिकाफ किया है उस मस्जिद का छत गिरा जलजले की वजह से या किसी वजह से, अब इस मस्जिद में कायम मुश्किल है, या इस मस्जिद पर डाकुओं ने चोरों ने गाड़ियों ने हमला कर लिया और इसे जबरदस्ती निकाल दिया, तो इससे करीब की जो मस्जिद है और यहाँ से निकल कर वहां चला जाए तो उसका एहतियात नहीं मिलेगा, ये इस तरह की हालत है। तो बाहर की तीन चीजें हैं जिसमें उसको निकलने की इजाजत है। अगर इस तीन के अलावा बिना किसी जरूरत के एक सेकंड के लिए भी अगर मस्जिद के जमा खाने के हद से बाहर निकलेगा तो उसका एहतियात हो जाएगा। लिहाजा कोई आदमी चाहे इसमें सिर्फ भंजन करने के लिए, टूथपेस्ट करने के लिए, सिर्फ मिसवाक करने के लिए निकलो निकलना चाहिए। देखो मौतनी है, पानी पीने की जरूरत है, पानी लाने वाला कोई नहीं है और शहरी का वक्त हो रहा है तो पानी लेने के लिए जा सकता है, अगर कोई साथी नहीं है तो वही मौतनी के हो गई पानी लेने के लिए जाए और पानी लाए और लाने के बाद मस्जिद में भी वहां बैठ नहीं देगा। इसी तरह कुमार ने लिखा है घर पर कोई खाना लाने वाला नहीं है तो खाना लाने के लिए जाना चाहिए लेकिन वहां बैठे में खाए खाना फौरन वहां से ले आए और लेकर मस्जिद में खाना मिल रहा है। हमारे यहाँ तो हमारे मुसलमान भाई खुद खिदमत का बहुत जज्बा रखते हैं, अगर एक भाई एहतिकाफ में है तो पांच भाई उसकी खिदमत के लिए तैयार है, ऐसा ही मसला ही नहीं होता है तो खाना लेने के लिए जाए पानी लेने के लिए जाए या खुदा मस्जिद भी होते हैं, ये जरूरत हमारी होगी। सिर्फ हर धोने के लिए निकलना इजाजत नहीं, पानी मंगवाए हमारी पीटी बारिश इस तरह बात हाथ धोले तो बाहर खाना पीना
लेटना और इसी तरीके से तंगी करना और इसी तरीके से और काम करना और तेल लगाना, सर में तेल लगाना, खुशबू लगाना, ये सारी चीजों पर कपड़े का बदलना, ये सारी चीजों मस्जिद के अंदर करेगा, मस्जिद से बाहर उसको निकलने की जरूरत है। तो ऐसी तमाम चीजों में जब भी अगर निकाह जरूरत निकलेगा तो उसका उसका रहेगा खुश रहेगा। ऐसी कोई जरूरत पड़े तो जरूरत बिल्कुल पहले ना निकल जाए, पहले मुफ्ती साहब से उलमा से मसला मालूम करे और मसला मालूम करने के बाद पता इस तरह। एक मसला ये है, आदमी का वुजू नहीं और वो बावजूद मस्जिद में सोना चाहता है तो वुजू के लिए निकल सकता है कि नहीं? उलमा की दुआ है, बात कहते हैं कि इससे वुजू कहते का खुल जाएगा, बात कहते हैं कि नहीं खुलेगा। अच्छी बात ये कि आदमी वुजू करने के लिए नहीं है, इसलिए ये फकहा ने एक मसला रखा है, हर वो काम जिसके लिए वुजू करना जरूरी और शर्त है ऐसे काम के लिए तो मौलवी मस्जिद से वुजू करने के लिए निकल सकता है, और हर वो काम जिसके लिए वुजू करना मुस्तहब है तो मुस्तहब काम के लिए वुजू करने के लिए मस्जिद से निकलने की इजाजत नहीं। 10 दिन का काम है, जितना एहतियात के साथ हम रहेंगे इतना एहतियात कर, बहुत अच्छी बात है। हम सोना चाहते हैं बाबू हमारा वुजू नहीं है तो हम क्या करें? हम ये नियत करें कि हम दो रकात पहले नफल नमाज पढ़ेंगे, अब दो रकात नफल नमाज के लिए हम वुजू करने के लिए जाए, वुजू करने के बाद आए, आने के बाद दो रकात नफल नमाज पढ़ी, दो रकात नफल नमाज पढ़ने के बाद सो गए, तो हमारा सोना दो रकात नफल नमाज के लिए होगा, खाली सोने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो उधर अपनी मसला है। बात कहते हैं कि एहतिकाम भूल जाएगा, बात कहते हैं नहीं होगा, और इसमें सब कहते हैं कि एहतिकाम नहीं भूलेगा, नफल नमाज पढ़ सकता है, नफल नमाज के लिए वुजू नहीं कर सकता है, कुरान देख कर पढ़ना है, छो कर पढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है, वुजू कर सकता है। तो आदमी इस तरीके से अगर सोना चाहता है बाप को वुजू नहीं है तो कहते हैं वो वुजू करे, वुजू करने के बाद दो अर्थात नफल पढ़े और दो नफल दो अर्थात नफल पढ़ कर जाए। ये चंद मसाइल है, इन मसाइल का लिहाज रखते हुए अगर हमने अपने निजाम अल्लाह के साथ वक्त को गुजारा तो इंशाल्लाह आपका ये एहतिकाफ अल्लाह के क़ुर्ब का, अल्लाह की नज़दीकी का, अल्लाह के ताअल्लुक़ का और अल्लाह की मोहब्बत का आमीन।
وصلى الله تعالى على خير سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.